दोस्तों आज के टाइम पे आयुर्वेदिक मेडिसिन की वैल्यू इंडिया को ही नहीं पूरी दुनिया को पता चल गई है। और अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन में बिजनेस करने का आपका भी कोई प्लान है या मैन्युफैक्चरिंग का, तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए कैसे आयुर्वेदिक आयुष लाइसेंस लिया जाए। दोस्तों मेरा नाम है दुष्यंत शर्मा और मैं आज रजिस्ट्रेशन वाला के इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम आयुष लाइसेंस लें, कौन कौन इसे ले सकता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसे लेने का प्रोसेस कैसे है। दोस्तों क्या है आयुष लाइसेंस? आयुष शॉर्ट फॉर्म है आयुर्वेद यूनानी सिद्ध और हर्बल मेडिसिन की। इसे आयुर्वेद यूनानी सिद्ध और हर्बल मिलके बनाते हैं आयुष। आयुष में जो चार हैं आयुर्वेद यूनानी हर्बल और सिद्ध, ये स्टैंड करते हैं आयुर्वेद जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डेवलप हुआ है, यूनानी जो मिडिल ईस्ट से आई हुई दवाएं हैं, और हर्बल जो आपका इंडियन नेचर से या नॉर्मल नेचर से मिलती हैं जो हर्बल्स हैं औषधियां, और एक है आपका फिर सिद्धा। सिद्धा जो 1920 के दौरान आया था आयुर्वेदिक मेडिसिन के बाद। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार की दवाओं का या मेडिसिन का बिजनेस करना है तो इसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है आयुष मिनिस्ट्री से, और आयुष मिनिस्ट्री से मिले हुए अप्रूवल को ही हम बोलते हैं आयुष लाइसेंस या आयुष सर्टिफिकेट। दोस्तों बात करते हैं क्या टाइप्स हैं आयुष लाइसेंस के। तो अगर आप इन्हीं मेडिसिन में बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ टाइप होते हैं आयुष लाइसेंस के। जैसा पहला टाइप है रिटेल लाइसेंस। अगर आप आयुष मेडिसिन को सेल करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा रिटेल लाइसेंस के लिए। दूसरा है होलसेल लाइसेंस। तो अगर आप होलसेलर बनना चाहते हैं आयुष मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के तो आपको अप्लाई करना होगा होलसेल टाइप ऑफ आयुष लाइसेंस के। तीसरा टाइप है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अब ये लाइसेंस उनको अप्लाई करना चाहिए या उनको लेना चाहिए जो आयुष मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स अप्लाई करेंगे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के। फाइनली चौथा टाइप है लोन लाइसेंस का, लोन लाइसेंस ऑफ आयुष लाइसेंस। तो ये किसको लेना चाहिए और इसके लिए कौन अप्लाई करेगा? वो लोग जो ब्रांड ओन करते हैं बट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनकी नहीं है, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर रखा है, वो लोग अप्लाई करेंगे लोन लाइसेंस टाइप ऑफ आयुष लाइसेंस। तो दोस्तों बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी की, कौन कौन एलिजिबल है आयुष लाइसेंस लेने के लिए। तो हर वो पर्सन जो सीरियसली स्पेस ओन करता है और जिसके पास पूरी मैन्युफैक्चरिंग या सेल करने की फैसिलिटी है, सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे आयुष लाइसेंस के लिए। और आयुष लाइसेंस आयुष मिनिस्ट्री भी उन्हीं लोगों को देती है जो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज सीरियस इस बिजनेस में जाना चाहते हैं। तो अब कुछ फैक्ट्स और कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एलिजिबल होने के लिए टू अप्लाई फॉर दी आयुष लाइसेंस। तो पहला पॉइंट है, अगर आपको होलसेल या रिटेल इनमें से कोई एक लाइसेंस लेना है तो दो बातें याद रखनी है। पहली बात, आपका जो स्पेस है वो 10 स्क्वायर मीटर के अराउंड होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपकी बिल्डिंग हाइट नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के एस्पेक्ट से होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपको होलसेल और रिटेल दोनों लाइसेंस लेने हैं तो फिर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी शॉप का एरिया 15 स्क्वायर मीटर्स होना चाहिए और हाइट एज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग 2005 एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तीसरा, अगर आप आयुष मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको एक ड्रग मैन्युफैक्चर करने के लिए आयुष की 1200 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपके पास दो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स और दो फार्मासिस्ट होने चाहिए। तीसरी चीज, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग मशीनरी होनी चाहिए। फाइनली आपके पास GMP सर्टिफिकेट होना चाहिए उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। अब बात करेंगे हम लाइसेंस अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो पहला, आयुष की मिनिस्ट्री पे एक पोर्टल है जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, तो वहाँ आप बेसिक डिटेल्स डाल के एप्लीकेशन की फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। वहाँ जो जो रिक्वायर्ड एरिया है फिलअप करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सबमिट करेंगे। जब ये सबमिशन मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद मिनिस्ट्री आपके पास भेजेगी अपना एक ऑफिशियल जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या शॉप को रिव्यू करेगा, एसेस करेगा, और एसेस करने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करके मिनिस्ट्री को देगा, और अगर वो सब कुछ पॉजिटिव रहा तो आपको मिलेगा आपका आयुष लाइसेंस जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते। तो दोस्तों ये था आयुष लाइसेंस के बारे में सब कुछ जो डिटेल्स हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन।
अब हम आपकी इसमें कैसे मदद कर सकते हैं, हम आपको सारे क्राइटेरियाज बताएंगे, आपका पूरा एलिजिबिलिटी को डिफाइन करेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं है या कैसे कब फुलफिल कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके डॉक्यूमेंट्स गैदर करने में हेल्प करेंगे, जो प्रिपरेशन है डॉक्यूमेंट्स की उनको आयुष मिनिस्ट्री के एनेक्सर्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और आपकी एप्लीकेशन फाइल करके सबमिट करके ऑफिशियल्स को आपके प्लेस तक के लिए अप्रूवल करवाएंगे, और जब ऑफिशियल असेसमेंट करके फाइनल लाइसेंस के लिए रिपोर्ट सबमिट कर देगा तो वहां से हम लाइसेंस आपको इश्यू करा देंगे। तो ये था आयुष लाइसेंस के बारे में। ऐसे ही और कोई लाइसेंस या किसी भी बिजनेस लाइसेंस या कॉम्प्लायंस लाइसेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। विद द राइज ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव देयर आर इज एन अबंडेंस ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस। टू कंडक्ट दीस कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस यू नीड कॉम्प्लेक्स लाइसेंसेस। दैट्स व्हाई रजिस्ट्रेशन वाला एक्सपर्ट्स हैव स्टेप्ड फॉरवर्ड टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। For more information regarding this license and many others of the same nature, just click on the notification bell and the subscribe button. We're always there to help. All you have to do is watch our video. Thank you.